दोस्तों, क्यों आज भी द्वारका में देवी रूपमणी सहित उनके पति श्री कृष्ण का कोई मंदिर नहीं है? दोस्तों, द्वारका की रानी यानी देवी रूपमणी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी द्वारका में देवी रूपमणी का मंदिर श्री कृष्ण के साथ नहीं है? इसके पीछे एक बहुत ही भयानक श्राप है जिसे श्री रूपमणी कृष्ण को सहना पड़ा था, लेकिन आज भी 90% हिंदू को ये सच्चाई नहीं बताई जाती है, और ये अनसुना सच आपकी भी आंखें में आंसू ला देगा। दोस्तों, द्वापर युग में जब ऋषि दुर्वासा श्री रूपमणी कृष्ण की परीक्षा लेने आए तो देवी रूपमणी ने मुस्कुराकर उनकी सभी शर्तें पूरी की और उनका सारा क्रोध सहन कर लिया। ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करने के लिए श्री रूपमणी कृष्ण ने स्वयं उस रथ को खींचना शुरू कर दिया जिसमें घोड़ों के बजाय ऋषि दुर्वासा बैठे थे। उस रथ को घोड़ों की जगह श्री लक्ष्मी नारायण यानी श्री रूपमणी और कृष्ण खींच रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई परीक्षा देने आता है तो असंतुष्ट रहने की कसम खाकर आता है। द्वारका से लगभग 23 किलोमीटर दूर टकनी नामक गांव के पास देवी रुक्मणी को प्यास लगी, क्योंकि वह काफ़ी देर से रथ खींच रही थी। उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण अपने पैर के अंगूठे को ज़मीन पर मारा जिससे माँ गंगा प्रकट हुई। इसे श्री रुक्मणी ने उनकी प्यास तो बुझा दी, लेकिन ऋषि दुर्वासा से पानी नहीं मांगा। इससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री रूपमणी कृष्ण को दो श्राप दे दिए। पहला श्राप यह था कि श्री रूपमणी कृष्ण 12 वर्ष तक एक दूसरे से अलग रहेंगे। वहीं दूसरा श्राप यह था कि संपूर्ण द्वारका भूमि का पानी खारा हो जाएगा। इसी कारण द्वारकाधीश की महारानी होने के बावजूद भी श्री रूपमणी के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया। 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद श्री रूपमणी द्वारका लौट आए और इन 12 वर्षों के दौरान श्री कृष्ण ने श्री रुक्मणी के वियोग से पीड़ा की पहाड़ों पर जाकर कठोर तपस्या की। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण आज भी यहाँ जल दान किया जाता है, और यहाँ ऐसी मान्यता है कि यदि कोई यहाँ दिव्य भोजन के रूप में जल अर्पित करता है तो उस भक्त के 70 पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।